नमस्कार, आप देख रहे हैं पगरपुर की आवाज चैनल। चलते हैं खबरों की तरफ। चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं श्रावस्ती जनपद के कुछ खास खबरों से। बिना किसी अग्रिम सूचना के प्रशासन द्वारा जेसीबी से गिरवाया गया गरीब का आशियाना। जनपद श्रावस्ती के विकासखंड इकौना के अंतर्गत ग्राम सभा जयचंदपुर कटघरा के मजरा अवधूत नगर में रह रहे निरंकार कश्यप पुत्र राम छबीले कश्यप उम्र 45 वर्ष के मकान को बिना किसी अग्रिम सूचना दिए दिनांक 11 जनवरी समय लगभग 3 बजे के करीब प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा जेसीबी मशीन से छप्पर और पन्नी डालकर गुजर बसर कर रहे परिवार के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। जबकि निरंकार अपने परिवार के साथ उसी जमीन पर लगभग 35 वर्षों से रह रहे थे। वो किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालन कर भरण पोषण करता था। उसके परिवार में लगभग 15 परिवार के छोटे छोटे बच्चे सहित रह रहे थे। इस समय कड़ाके के ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन इनकी स्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए इनके आशियानों को ढहा दिया। जबकि प्रशासन द्वारा इनको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ये लोग खुले आसमान के नीचे रोड के किनारे रह रहे हैं। उस परिवार के लोगों को अपने घर का राशन व बर्तन का सामान निकालने की भी मोहलत नहीं दी गई। सारा का सारा सामान बिखेर दिया गया, आशियाना तोड़ दिया गया, घर में रखा हुआ संदूक भी तोड़ दिया गया। परिवार के लोग इस समय कड़ाके के ठंड में खुले आसमान के नीचे किसी प्रकार खाना बना रहे हैं और अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं। कड़ाके की ठंड होने की वजह से कुछ बच्चों को ठंड भी लगी है, लेकिन जिनको दवा कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उस बच्चे को इस कड़कड़ाती ठंड में तालाब के किनारे पन्नी तान कर रहने के विवश है। इनके परिवार में निरंकार कश्यप पुत्र राम छबीले कश्यप, हीरा लाल, राकेश कुमार, ओमकार, राम सिंह, गोविंद, अंजलि, प्रीति देवी, अमर सिंह, शशि, हिमांशी, रानी देवी, अमर सिंह, राम प्रसाद, मिथुन, रमपता देवी आदि लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। क्या हुआ था सर? यहाँ हमारे माँ बाप रह रहे थे 50 साल से, और ये ऑटो टाइम पे आके और गिराने लग गए जेसीबी से। कोई नोटिस मिली थी? कुछ नहीं मिला था सर। और हमारी जवान बहन है, वो कहाँ जाए, कहाँ रोड पे लेके जाए? क्या बोले वो? प्रशासन ने क्या बोला? कुछ नहीं बोले सर। उसने बोला कि वो तुरंत प्राइवेट लाके और तुरंत गिरवाने लग गए। कौन कौन आया था यहाँ पे? यहाँ पे सर डीएम और जज, एसडीएम सब लोग आए थे, और यहाँ किसी को बोलने का मौका भी नहीं दिया, सामान भी निकालने को मौका नहीं दिया। गिरवा दिए सब? गिरवा दिए। आपका मकान गिरवा दिया? आप इस समय कहाँ रह रहे हैं? इस समय हम रोड पे रह रहे हैं सर, पन्नी तान के। हाँ, प्रशासन ने कुछ आपको बताया? कुछ नहीं। कोई मदद नहीं दी? कुछ नहीं, मदद कोई कुछ मदद नहीं दिया। त्योहार को चुना जाता है, लड़कियाँ मातम भूकर कोई अधिकारी देखने नहीं आया अब तक? किस सुबह से आप तक कुछ नहीं, कोई नहीं आवा, मैं कोई नहीं प्रताल ये बगाए दिया तो कुछ ना आया तो लिया वो तले लगी रहा साहब। कोई गांव के पूर्व प्रधान वगैरह कोई आया? प्रधान साहब नहीं आया। जब गिर रहा था तब आए थे? नहीं आया साहब, कभी नहीं आया, कोई नहीं आया। कौन है प्रधान यहाँ का पहले? मनोज कुमार पांडे। मनोज कुमार पांडे है साहब, हमारे लड़के सब भूखे मरते साहब, सारी रात देख पता करे ठंडे ला गए, धोती कपड़ा चाटा थी ताले में यहाँ वो पेट चलाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारे हीरा लाल पांडे जी नाम है, हीरा लाल लिखा जाए। अच्छा अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? तो इनका मामला आपको जानकारी नहीं हुई? जो ने आया नहीं पर खबर, हमारा मकान बना रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ तब देखा। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं बताए दो, ये रूम जाए कब से रह रहे हैं यहाँ पर? ये हमारे ख्याल से ये आया है 35-40 साल तो नीचे नहीं है। कम लाभ हो गया आगे तो आप प्रशासन को बता रहा है कि आप आवास में गलत रह रहे हैं? प्रशासन कह रहा है गलत रह रहे हैं आप? अभी उनका काम है, 25 साल से गलत नहीं था तो आप थोड़ी गलत हो सकता है। सब्सक्राइब करें फखरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।